कहते हैं जब अपने घर शीशे के हों तो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ छवि अवस्थी और आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल। जी हाँ, बात भाजपा की है। भाजपा लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती है गुटबाजी के नाम पर, लेकिन भाजपा की गुटबाजी अब सड़क पर आ चुकी है। मामला है भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से जुड़ा हुआ। कटारिया का एक ऑडियो वायरल हुआ है और ऑडियो में किस तरह से हताश नजर आ रहे हैं कटारिया, ये उसमें जब उनके शब्दों को सुना जाए तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। कटारिया उसमें कहते सुनाई दे रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मैं मर जाऊं क्या, फांसी लगा लूं क्या, इस तरह के शब्द उपयोग में लिए हैं गुलाब चंद कटारिया ने। मामला उपचुनाव से जुड़ा है। उपचुनाव में गुलाब चंद कटारिया उदयलाल डांगी को टिकट दिलाना चाहते थे लेकिन नहीं मिला, जिसके बाद डांगी ने बगावत की और आरएलपी से अब वो चुनाव मैदान में है। वहीं टिकट मिला सीपी जोशी, जो सांसद हैं उनके चहेते को, या कहें कि जिनको वो टिकट दिलाना चाहते थे। अब ऐसे में कटारिया खासे नाराज भी बताए जा रहे थे और किस तरह कार्यकर्ता जब उनको फोन कर रहे हैं तो इसमें कटारिया का साफ तौर पर कहना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने जो मुझे कहना था मैंने किया लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरा मामला समझें तो इसके बाद एक बात साफ होती है कि किस तरह भाजपा में स्थिति अब खराब होती जा रही है पुराने नेताओं की। कितने गुट बनते जा रहे हैं भाजपा में और किस तरह पहले वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया और अब गुलाब चंद कटारिया को साइडलाइन किया जा रहा है। सबसे पहले ऑडियो सुनिए। कर ली, जहाँ फोन नहीं मिले वहाँ क्या करेंगे? अच्छा, मोदी से बात नहीं कर सकते अभी? अपन फोन नहीं मिला, बात कोशिश करिए सभी। सर मर जाएंगे हम लोग तो, ऐसा हो रहा है। अभी आप क्या करें, मैं जो कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा भैया। तो आपके एमपी साहब का सबसे बड़ा रोल है इसमें। हाँ, एमपी साहब का रोल होगा। अब क्या करें, वो उनके साथी है, पार्टनर है, भगवान जाने क्या है मालूम। अच्छा, लेकिन सर आप तो इतने पुराने वरिष्ठ हो तो मानेंगे नहीं पार्टी? जी चले उतनी तो मैंने कह दिया, अब नहीं चले तो मैं भी क्या करूँ, लड़ाई तो करने से ना सड़क। सर हमारे पीछे आपका नाम भी खत्म हो रहा है, बात वो हो रही है। अब यार हो रहा है बस, हो जाएगा यार। पार्टी मेरी जरूरत समझेगी तो काम करेगी, करेगी तो नहीं करेगी, मैं क्या करूंगा। नहीं आपका जो खराब हो रहा है तो क्या करूँ, मैं फांसी लगा के मरूँ क्या? नहीं वैसा नहीं कर सकते अपन, लेकिन जैसे दिल्ली केंद्रीय नेता नहीं मानते भाई, जो कह सकते हैं, जो कह दिया, जिनको कहना था जो कह दिया, आप क्या। तो अभी नाम तो उनका ही चल रहा है, ऐसा है? हाँ, अभी ऊपर नाम उसका हिम्मत सिंह का चला गया। अच्छा, दिल्ली उनका गया है। अच्छा, क्या अभी फेरबदल हो सकता है? नहीं, संभव नहीं है। हो तो कर नहीं सकता है, वो तो सब सकता है, हो सकता है ना। तो सर और देखो, रिक्वेस्ट है और आपके हिसाब से आगे लगाए दम, हमारी तरफ से जो कोशिश होती है कर रहे हैं। जी सर जी। तो सुना आपने किस तरह गुलाब चंद कटारिया बुरी तरह हताश नजर आ रहे हैं इस ऑडियो में। किस तरह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कटारिया की अब भाजपा में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे खासे नाराज भी हैं। अब ये जो ऑडियो वायरल हुआ है इससे साफ तौर पर भाजपा को नुकसान होना लाजमी है, क्योंकि जितने भी कटारिया समर्थक हैं उनको एक मैसेज गया है साफ तौर पर कि गुलाब चंद कटारिया की वहाँ सुनवाई नहीं है, क्योंकि उस क्षेत्र के भाई साहब के नाम से जाने जाते हैं गुलाब चंद कटारिया। ऐसे में जो उनके साथ के कार्यकर्ता हैं उनमें भी कहीं ना कहीं नीरसता आनी है। अब ऐसे में जो ये एक ऑडियो वायरल प्रकरण हुआ है भाजपा का, साफ तौर पर लगता है कि इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है भाजपा को, लेकिन देखना होगा कि अब डैमेज कंट्रोल कैसे करती है भाजपा। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया है शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।